नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइफ। आपका समय, आपकी खबर, बढ़ते खबरों में विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। आदिवासी सेंगल अभियान के आहूत 12 घंटे के बंद के तहत दार्जिलिंग जिला कमेटी ने सिलीगुड़ी के विधाननगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया। इस बंगला बंद को सफल बनाने के लिए संगठन के आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत बाजे गाजे के साथ सड़कों पर उतर आए। दूसरी ओर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए फासीदेवा थाने की भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए। दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से रेणुका मंडी ने कहा कि जिस तरह से आदिवासी के खिलाफ दिन ब दिन अभियान चलाया जा रहा है और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारा आंदोलन इसके खिलाफ है। आज के बांग्ला बनटा जे हमारे पुरुलिया मोर जंगलपुर ग्रामे जे हमारे जे आदिवासी 100 परिवार तादर के सामाजिक भावे बहिष्कार करा हुए छे। वंदे भारत के स्टॉपेज की लिस्ट में कुछ बिहार क्यों नहीं, निशित प्रामाणिक ने किया स्पष्ट। न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्री सेवा 25 मई से शुरू होगी। हालांकि रेलवे द्वारा दी गई इस ट्रेन की स्टॉपेज लिस्ट में न्यू कुछ बिहार स्टेशन का नाम नहीं होने पर तिरमूल ने रोष व्यक्त किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा, जो नया लिस्ट निकला उसमें न्यू कुछ बिहार स्टेशन का नाम नहीं है, हो सकता है किसी कारणवश छूट गया हो। अभी फाइनल लिस्ट नहीं बना है, जब अंतिम सूची आएगी तो न्यू कुछ बिहार का नाम होगा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतिम सूची आने के बाद ट्रेन न्यू कुछ बिहार स्टेशन पर रुकेगी। আর রইল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করবার কথা, কুচবিহার স্টেশনে থামাবার কথা। নিশ্চিতভাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কুচবিহার স্টেশনে থামবে, খুব কম সময়ের মধ্যেই আপনারা সেটা দেখতে পারবেন। আর যাদের কাছে মিডিয়াতে মুখ দেখানোর কোনো ভাষা নেই, জায়গা নেই, তারা শুধুমাত্র একটা কারণ নিয়ে মিডিয়ার সামনে এসেছেন। আমি দয়া করে বলছি তাদেরকে যে কুচবিহার স্টেশন থেকে কদিনের মধ্যেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হতে যাচ্ছে। আমি মাননীয় রেলমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে এবং বাকি যারা রেলের উচ্চ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা বলেছে যে আলিপুরদুয়ার কুচবিহার কাছাকাছি দুটো স্টপেজ হওয়াতে তাদের একটু কনফিউশন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই কনফিউশন দূর করে নিয়ে অতি শীঘ্র কুচবিহার স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হচ্ছে। राज्य सरकार द्वारा जारी काले कानून के खिलाफ निखिल बंग शिक्षक समिति ने छेड़ा आंदोलन। टिफिन के समय केवल टिफिन ही खाया जाए और कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। शिक्षक संघ और राज्य समन्वय समिति के राज्य सरकार द्वारा जारी इस काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जलपाईगुड़ी के निखिल बंग शिक्षक समिति के जिला सचिव सहित अन्य सदस्यों ने इस मामले पर संगठन की समिति से अवगत कराने के लिए DI कार्यालय पहुंचे। घटना के संबंध में संस्था के जिला सचिव विप्लव झा ने कहा, आज DI अधिकारी मौजूद नहीं है, इसीलिए अगले शुक्रवार को DI की मौजूदगी में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अपना जाने दो दिन आगे ही हमरा प्रत्यक्ष करे छे जे बेश किछु ऑर्डर बेरिए छे, विशेष करे हमरा टिफिन आवर्स से हमादेर की काज थाका उचित की करा उचित ए विषयक निर्देशिका एसछे। সেই নির্দেশিকার বিরুদ্ধেই আমরা মনে করি যে আজকে আমাদের এই যে বিক্ষোভ সভা প্রতিটা দপ্তরে, রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রতিটা দপ্তরে আমরা করছি রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফ থেকে, এবং এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করে আজকে দুটো বিষয় নিয়ে এখানে এসেছিলাম। একটা আসছিলাম সর্বশিক্ষা মিশনে, ওখানে DPO নেই, ADPOকে ডেপুটেশন দিয়েছি, আমরা তাকে 5টা প্রস্তাব দিয়েছি, বলেছি আগামী শুক্রবার DPOর প্রেজেন্সে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে বসবো, যেভাবে ওরা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বশিক্ষা মিশন চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানিয়ে এসছি। 5 তারিখ এই শুক্রবার দিন, সেই দিন হচ্ছে যে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা লড়াই তীব্র করব। আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে এখানে যেটা এসছি সেটা হচ্ছে, আজকে পরশুদিন রাজ্য সরকার একটা কালা আইন জারি করেছেন, টিফিন পিরিয়ডে টিফিন খাওয়া ছাড়া কোনো কাজ করা যাবে না। আমরা বলেছি এই ধরনের সার্কুলার রাজ্য সরকার জারি করতে পারেন না, টিফিন পিরিয়ডটা আমার ব্যক্তিগত পিরিয়ড, সেখানে আমি কী করব সেটা আমি ঠিক করব, আমি টিফিন খাবো না, ওষুধ আনতে যাবো না, কাজ করব না, ইউনিয়ন করব, সেটা আমার বিষয়, ইউনিয়নের অধিকার আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की नई कार्यवाहक कुलपति बनी प्रोफेसर संचारी मुखर्जी। प्रोफेसर संचारी मुखर्जी ने उत्तर बंगाल के विश्वविद्यालय के नए कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। अंतरिम कुलपति ओम प्रकाश मिश्रा का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो गया।
इसके बाद राज्यपाल ने इसी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संचारी मुखर्जी को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले उन्होंने दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया है। अगले निर्देश तक वह यह जिम्मेदारी संभालेगी। सर्वतेई खुशी হয়েছি, এটা আমার নিজের ইউনিভার্সিটি, 35 বছর আমি এখানে পড়াই এবং বিভিন্ন দায়িত্বেও ছিলাম। সুতরাং এখন ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে আসাতে এখন মনে হচ্ছে নিজের ইউনিভার্সিটিতে একটা বড় দায়িত্ব পেয়ে এসেছি, সুতরাং অনেক রেসপন্সিবিলিটিসও আসছে। সুতরাং দেখা যাক কতটা আমি ফুলফিল করতে পারি। आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा आहूत बंद को लेकर बालूरघाट में मारपीट। दक्षिण दिनाजपुर के आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा आहूत बंद को लेकर बालूरघाट में काफी तनाव है। बीमार मरीजों को ले जा रहे टोटो के टायर को हसुआ से काट दिया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और आदिवासियों के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को भी घेर लिया गया। आज दोपहर हुई इस घटना को लेकर बालूरघाट के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ कॉम्बैट फोर्स को तैनात किया गया। রুগী ছিল বলছে তুই নামাবি না তোকে কোপতে নামি দিব। রুগীটা কাপাই দিয়ে আইসা কাটি দিল। আর ওখানে বিয়ার গাড়ি যাচ্ছিল, সে মেয়ে ছেলেকে ধরে বলছে ক্রাউন আলো বল কাটি দিল। আর ওই দেখেনটা গাড়া সাঁওতালে লোকগুলো আদিবাসী আদিবাসী। হ্যাঁ যারা समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहला पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया, पहला पुरस्कार केवल बिक्री बगैर टिकट और बांटा। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Job interview, the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday. At Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति गोप्य शत्रु व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीक सित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नु। नंबर 6375847663। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Save Oak Road, Siliguri. Contact 9832011336. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on 19th and the 29th of May 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility: Class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy, ISKCON Road, Siliguri. Phone 9800-866-855.
हमारा शोरूम सेवन कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन्स भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। इस समर करे कुछ कमाल, सेवन किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लेन, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमा। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झन होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दोस्तों के बीच हुए वाद विवाद में आक्रोशित ने चलाया ब्लेड। सिलीगुड़ी में दोस्तों के बीच वाद विवाद में आक्रोशित एक दोस्त ने दूसरे एक दोस्त के गले में ब्लेड चला दिया। ज्ञात हुआ है कि आज सुबह हाथियाडांगा निवासी 16 वर्षीय विश्वजीत बर्मन पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बातों बातों में विवाद शुरू हुआ। अचानक एक दोस्त ने उसके गले में ब्लेड चला दी। इसके बाद विश्वजीत नीचे गिर गया। उसे तुरंत सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया। আপনি কি করে জানতে পারলেন? আমাকে ফোন করে জানি কাজে গেছে।
মানে ঠিকাদার নাম্বারে ফোন করছে, মানে যে ইমার্জেন্সি চলে এসে বাড়ি আসতে বাড়ি যেতে হোক নাই হসপিটাল নিয়ে আসছে, সবাই কাছে গলাতে এত টাকা ঠিক আছে জানি না কি হয়েছে। আমারই ছেলে যাই আমাকে বন্ধু যায় বলছে যে কাকি এরকম ওকে গলায় মারছে তাড়াতাড়ি যাও, তাই আমি আমার নিজের ছেলেকে না খুঁজে আমি আমার এই ছেলেকে আমি দৌড়ে আসছি। মানে আপনার কি মানে একসঙ্গে বন্ধু বান্ধব হতে কথা কাটাকাটি জেরে কি এমন ধরনের ঘটনা? এখন আমি বলতে পারবো না দিদি বলো, আমি দেখি নাই জানি না শুনি নাই। আপনার ছেলের নাম কি? প্রভাত বিশ্বাস। ও আচ্ছা, বয়স কত? বয়স 14-15 হবে। सिलीगुड़ी के फगदईबाड़ी निवासी कार्तिक शाह के 2 महीने का बेटा सुबो शाह दिमाग की जटिल बीमारी से पीड़ित, इसके इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत है। खबर सुनकर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के सदस्य गौतम गोस्वामी असहाय कार्तिक शाह के घर गए और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पता चला है कि बच्चे के दिमाग में पानी जमा हो गया है। स्थानीय तृणमूल नेताओं ने गौतम गोस्वामी के माध्यम से तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के कार्यालय में संपर्क किया तो बताया गया कि कोलकाता में बच्चे के SSKM इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएगी। गौतम गोस्वामी ने परिवार के लिए सिलीगुड़ी से कोलकाता जाने और रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं की। এটা ফগদইবাড়িতে কার্তিক সাহা দিল্লিতে কাজ করতো, তো আমাদের চুমকি তপন আরু যারা আছে ওনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এখানে ওর যে 2 মাসের শিশু শুভ সাহা খুব একটা জটিল রোগে আক্রান্ত, ব্রেনের জল জমে আছে, তো দিল্লিতে কাজ করতো, দিল্লিতে এই চিকিৎসা করাতে পারেনি, দেখে এখানে এসছেও, তো আজকে খুব নিঃসঙ্গ মানে খুব অসহায় অবস্থায় আছে কার্তিক। তো আজকে আমরা যেটা ওকে আজকে কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অফিসের সাথে কথাবার্তা বললাম, ওনারা এখান থেকে পাঠাতে বললো, তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে কালকে ওরা যাবে, এখান থেকে কালকে যাতে পিজির SSKM ও ট্রিটমেন্টটা শুরু হয় তার ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সব ব্যবস্থাগুলো আমরা এখান থেকে করে দিলাম আজকে। सड़क किनारे जमा किए गए अवैध मिट्टी के कारण दुर्घटनाओं में 12 घायल। मालदा के यदुपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के किनारे जलाशयों की भराई का कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है। बाहर से मिट्टी लाई जा रही है और सड़कों के किनारे जमा किया जा रहा है। अब अचानक हुई बारिश से गीली मिट्टी खिसक गई है, पलक झपकते ही एक के बाद एक बाइक दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं, इनमें 2 बच्चे, 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। हादसे में 8 बाइकें घटा के चपेट में आ गई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल कर्मचारी मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं। রাস্তার কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে, কাজের উপরে ন্যাশনাল হাই 10-15 স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, গাড়ি একটা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, আমি স্লো হালকা ব্রেক করলাম, দিয়ে একদম পড়ে সমস্ত আমার এই যে দেখেন সব পড়ে গেছে, আমার গাড়িটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে। এই প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই, বাইক নিয়ে আসছি রাস্তাতে, এটা অনেক মাঝে করে আসছে, এটা আমরা বুঝতে পারিনি, বাইক নিয়ে সামনে আমরা বেশ করেই এলাম। কি হচ্ছে এখানে? মাটি ভরা হচ্ছে, ওই মাটিটাই রাস্তাতে পড়ে আছে, কি হয়েছে এখানে? কি হয়েছে এখানে? মাটি ফেলা আছে, বাচ্চা নিয়ে গেছিলাম, গাড়ির চাকার স্লিপ কেটে গেছে। তো বাচ্চারা তো লেগেছে, হালকা লেগেছে। কোথা থেকে আসছিলেন আপনি? আমি তো এখান থেকে ওই শেষ রাস্তা থেকে। কারা মাটি ফেলছে এখানে? এটা আমার অজানা, এটা আমি বলতে পারবো না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা কি অবস্থা। सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती पर रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर आयोजित। सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संस्था के वर्धमान रोड स्थित भवन में सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक और रोटरी क्लब के सहयोग से स्वर्ण जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में कमेटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल और अध्यक्ष गंगाधर निकीपुरिया ने कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आस पड़ोस स्वस्थ रहेगा, और जब आस पड़ोस स्वस्थ रहेगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स जो है 1973 में फॉर्म हुई थी और आज 2023 में 50 साल पूरे हो गए हैं, तो 50 साल की उपलब्धि में हम लोग जो है ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से। तो जैसे आपको पता ही है कल 21 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया था, जहां सिलीगुड़ी शहर में 15 जगह
जो है चाय सबको पिलाई गई थी और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 25-30 हज़ार कप कम से कम कंज्यूम हुए हैं हमारे सब जो जितने भी स्टॉल लगे थे और हमारे ये जो स्टॉल लगाने वाले स्पॉन्सर्स का हम लोग बहुत आभारी हैं। उसमें हमने 3 दिवसीय महोत्सव का कार्यक्रम रखा है, कल हमारी ओपनिंग थी और हमारी ओपनिंग के चीफ गेस्ट सीपी साहब श्री अखिलेश कुमार चतुर्वेदी थे और हमने सिलगुड़ी शहर में पूरे शहर में 15 जगह जो मुख्य केंद्र है वहाँ पर स्टॉल लगाए थे और आम जनता के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की गई थी और हमारा यही उद्देश्य रहा कि आम लोगों तक अच्छी चाय हम पिलाएं और लोगों ने खूब आनंद लिया। काफ़ी 25-30 हज़ार लोगों ने जो है इस चाय की चुस्की ली और उन्हें बहुत ही आनंद महसूस किया और आज दूसरा दिन है, आज हमने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आँख की जांच एवं अन्य जो हेल्थ स्वास्थ्य संबंधित जो चेकअप होते हैं उनका हमने कार्यक्रम रखा है। इस्लामपुर में कई दुकानों से अवैध पटाखा जब्त। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में कई दुकानों से अवैध पटाखा बरामद किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कई जगहों पर पटाखा फैक्ट्रियों में हुए विस्फोट से कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने आज इस्लामपुर शहर के बाजार में कई दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से रखा पटाखा बरामद किया है। सर्चिंग करते आसछे बेआईनी कोनो सामान पावा गेछे उनी ओटा निये गेछे इलिगल कोनो इनफरमेशन आछे पुलिशेर काछे उनी एखान थेके निये गेछे सर्च करे एखन तो ओटा तो आमरा जानी ना ओनारा ब्याग ए भर्ती करे निये गेछे कि आछे ओनारा तो ओरा रिपोर्ट दिबे। মানে কটা দোকানে সার্চ করেছে? দুইটা দোকানে সার্চ করেছে। কিসের দোকান ছিল সার্চ? তো এটা দশকর্মা ভান্ডার বলে দোকানটা আছে। এটা মানে ভিতরে ইনলিগাল জিনিস ছিল কিছু নাকি? না, ইনলিগাল বলতে মানে ওনারা কিছু জিনিস পাইছে উনি নিজে ব্যাগের ভিতরে বন্ধ করে নিয়ে গেছে, এটা আমরা জানতে পারিনি কি নিয়ে গেছে আর কি না নিয়ে গেছে। দোকান থেকে ভিতরে ওনারদের কাছে পেপার হবে ইয়া ওয়ারেন্ট হবে, উনি ভিতরে যায় কিছু নিয়ে গেছে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहें इस क्लब पे। धन्यवाद।